कि बिना कंप्यूटर के अपने मोबाइल का आईएमआई नंबर कैसे रिपेयर कर सकते हैं या तो आईएमआई नंबर कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपना आपको आईएमआई नंबर आपको बताया, तो यहाँ पे देखिए मैंने तीन एप्लीकेशन को रखा है, एक आईएमआई नंबर चेंजर, एक्सपोज इंस्टॉलर, रूट चेकर। तो यार रूट चेकर से पहले मैं आपको बता दूँ, आपका एंड्रॉयड जो है वो रूटेड होना चाहिए, तभी वो आपके सिस्टम का आपके मोबाइल का जो है आईएमआई नंबर चेंज कर पाएगा एक्सपोज इंस्टॉलर के थ्रू आईएमआई चेंजर से। तो पहले मैं दिखा देता हूँ ये मेरा डिवाइस रूटेड है या नहीं, तो इस तरह से वेरीफाई करते हैं। और ये यहाँ पे बता रहा है कॉन्ग्रेट्स यू हैव रूट एक्सेस ग्रांटेड। तो चलिए मेरा तो ये ऑडियो है एंड्रॉइड 8.1.0 और ये रूटेड है मेरा रेडमी नोट 4 है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि मतलब चेंज कैसे करना है। तो अगर आपका फ़ोन रूटेड है तो यहाँ पे देखिए एक्सपोज इंस्टॉलर है मेरा यहाँ पे एक एप्लीकेशन, तो इसे ओपन करते हैं और यहाँ पे देखिए ग्रीन सर्किल से जो है यहाँ पे टिक किया हुआ है, इसका मतलब कि मेरा एक्सपोज इंस्टॉलर एक्टिवेट है। अगर आपका एक्टिवेट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन से वीडियो को चेक कर लीजिएगा कि कैसे एक्सपोज इंस्टॉलर को एक्टिवेट करते हैं। तो अब दूसरी बात, यहाँ पे ये जो आईएमआई चेंजर एप्लीकेशन है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद अपना एक्सपोज इंस्टॉलर जो है उसे ओपन कीजिए, स्लाइड कीजिए, मॉड्यूल का एक सेक्शन मिलेगा आपको, उस पर आपको जाना है और आईएमआई नंबर जो चेंजर है वो यहाँ पे दिख जाएगा, क्योंकि ये एक्सपोज का मॉड्यूल है इसलिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसे आप टिक करके अपने मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट कर लें। तो मैंने चलिए रीस्टार्ट कर दिया और रीस्टार्ट करने के बाद जो है कि वो सिस्टम से पूरी तरह से ग्रांट हो जाता है और परमिशन ले लेता है सिस्टम से आईएमआई को राइट करने का। और ये एक बात बता दूँ, ये स्नैपड्रैगन मीडियाटेक सभी मोबाइल में काम करेगा ये एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आई एम आई चेंजर इंस्ट ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद यहाँ देखिए न्यू आई एम आई नंबर है, तो करेंट में वहाँ पे ब्लैंक है और न्यू यहाँ पे आपको शो कर रहा है। तो जब आप इसे जो आपको ये रैंडम टिक मिलता है आपको उस पर जब आप टिक करके अप्लाई कर देंगे तो आपका आई एम आई नंबर चेंज हो जाएगा। आपको अप्लाई करके अपने मोबाइल को रीस्टार्ट कर देनी है, रीस्टार्ट करने के बाद आपका आईएमआई नंबर जो है वो चेंज हो जाएगा। चेंज होने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो है मोबाइल वही रहेगा, नेटवर्क मान लीजिए नेटवर्क जैसे आता है वही सब आते रहेगा, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब सारा अप्लाई करने के बाद अपने मोबाइल को रीस्टार्ट कर देनी है, उसके बाद आपका आईएमआई नंबर चेंज हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे कंप्यूटर वाला जो मेथड है उस पर आते हैं। तो यार जैसे कि बहुत बार होती है कि मतलब ये एप्लीकेशन कुछ कुछ डिवाइसेस में काम नहीं करता है, तो अब ऐसे यूजर में कैसे जो है आप कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, पहले सीपीयू जेड से अपना प्रोसेसर चेक कर लें। जैसे मेरा सीपीयू जेड से प्रोसेसर ऊपर में देख सकते हैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन है। तो अगर आपका मीडियाटेक है तो आपको याद रखना है कि आपका मीडियाटेक है। उसके बाद अगर आपका मीडियाटेक है तो आपको ये आईएमआई जो है एसएन राइटर, ये आपको इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये आईएमआई एसएन राइटर से जो है आईएमआई नंबर को टाइप करके अपने कंप्यूटर में जो है आप इंटर करके आप अपने आईएमआई नंबर को रिपेयर कर सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू। तो एक बात और मैं बता दूं, ये एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड कीजिएगा तो साथ ही साथ एक अपने मोबाइल का जो है यूएसबी ड्राइवर भी डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद जो यूएसबी ड्राइवर को इंस्टॉल करने के बाद आपका जो है कंप्लीटली आईएमआई जो है राइट हो जाएगा। तो यार एक बात और मैं कहना चाहूँगा, स्नैपड्रैगन का जो प्रोसेसर है एसएन राइटर जो ये आपको दिख रहा है एसएन राइटर से भी राइट हो जाता है, लेकिन कभी कभी जो है वर्क नहीं करता है एसएन राइटर स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर में। तो ऐसे में ये जो आपको ये फाइल जो आपको दिख रहा है क्वालकॉम स्मार्टफोन राइट आईएमआई टूल, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस टूल के थ्रू जो है आप स्नैपड्रैगन के मोबाइल में इजीली तरीके से आईएमआई को राइट कर सकते हैं। तो यार वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है, ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है, उम्मीद है आपको ये सारे जो प्रोसेस मैंने बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना।